राजस्थान में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। बीजेपी की जहां दो सूचियां जारी हो चुकी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी दो सूचियां जारी करते हुए अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव नेता और पार्टियों का इम्तिहान ले रहा है। जब से आचार संहिता लगी है, तब से ही टिकट की मारामारी भी हो रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में जहां बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, तो वहीं दूसरी लिस्ट में 83 उम्मीदवारों को भाजपा ने जगह दी, जिसके बाद भाजपा की राजनीति और रोचक होती हुई नजर आ रही। क्योंकि अगर भाजपा की पहली लिस्ट की बात की जाए, तो पहली लिस्ट आने के बाद उसके नेता ही टिकट लिस्ट का जबरदस्त विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। इस विरोध में अधिकतर नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक वाले बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने यहां सालों से मेहनत की है, लेकिन हमारा आलाकमान हमारी मेहनत को नजरअंदाज कर रहा है। तभी वहां स्थानीय नेताओं की जगह बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है। साथ ही बता दें कि पहली लिस्ट में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी सहित 7 सांसदों को जगह दी गई थी, और इन्हीं को बाहरी बताकर जो समर्थक हैं वह विरोध में उतर चुके हैं। पहली लिस्ट आने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहली लिस्ट में अपनी ताकत नहीं दिखा पाई, उन्हें पिछले कुछ महीनों की तरह इस बार भी साइडलाइन किया गया है। लेकिन भाजपा की दूसरी लिस्ट में उनका हल्का दबदबा देखने को मिला, जिसकी खुशी उनके समर्थकों में भी साफ नजर आई। जिस तरह से पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया था, उसके बाद प्रदेश की राजनीति में कहा जाने लगा था कि वसुंधरा की नाराजगी कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में सफाया न कर दे, क्योंकि कहा जाता है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा का सबसे बड़ा इम्तिहान राजस्थान में ही है। एक तो यहाँ जीत कर सत्ता में आना जरूरी है, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ के चुनावी नतीजे मायने रखेंगे, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इन कयासों में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि राजस्थान में भाजपा किसी स्थानीय नेता के चेहरे पर चुनाव न लड़कर कमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव दाव खेल रही है, क्योंकि पिछले चुनाव की तरह जनता की वसुंधरा राजे से नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं झेलना चाहती। तभी राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान ने दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे की गिनती के 15 से 20 समर्थकों को टिकट देकर खुश करने का काम किया है, ताकि वह पूरी तरह से नाराज भी न रहें और भाजपा के लिए खुलकर प्रचार भी करें, जितना उनका नाम और रुतबा है। क्योंकि अभी भाजपा आलाकमान की हालत कुछ ऐसी है कि वसुंधरा से वफा भी नहीं जता सकते हैं, तो बेवफाई भी भाजपा इस समय वसुंधरा से नहीं कर सकती है। क्योंकि भाजपा को ये डर सता रहा है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी और खीज भाजपा का नुकसान करेगी, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करेगी, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की हार वसुंधरा की हार नहीं होगी, बल्कि वो हार होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यदि यहाँ नरेंद्र मोदी हारते हैं, तो इसका सीधा असर साल 2024 के लोकसभा चुनावों पर देखने को मिल सकता है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि राजस्थान की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मुंह से लोकसभा के लिए टिकट मांगेगी। ऐसे में बीजेपी की पहली सूची जारी की गई, और पहली सूची के बाद ही वसुंधरा समर्थकों के नाराजगी के साथ ही जो सालों से धरातल पर मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के नेता, उनकी नाराजगी भी जो भाजपा आलाकमान है उसको सहनी पड़ी। तो वहीं दूसरी लिस्ट में अगर 83 नामों की बात की जाए, तो इसमें से 15 से 20 ऐसे समर्थक हैं जो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, जिसमें से विद्याधरनगर से विधायक नरपत सिंह राजवी हैं, जिनको चित्तौड़ से टिकट देकर मनाने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही चित्तौड़ से नरपत सिंह राजवी का नाम घोषित होता है, तो वहां पर भारी विरोध देखने को मिलता है। इसके साथ ही भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, इनका विरोध भी चित्तौड़ में चरम पर पहुंच चुका है। चित्तौड़ के हर पोस्टर से सीपी जोशी का जो चेहरा है वह फाड़ दिया गया है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, शव यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी आला कमान की चिंताएं तब बढ़ गई जब करीब 400 से 500 जो भाजपा कार्यकर्ता थे, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में वसुंधरा राजे को खुश करने के प्रयास में कहीं आलाकमान अपने उन कार्यकर्ताओं को ना खुश न कर बैठे जो सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं।
ऐसे में 2023 का चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख भी इन चुनावों पर लगी हुई। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।